दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML में टेबल्स कैसे क्रिएट किए हैं। HTML का ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इजीली वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बटन पे भी दे दूंगा मैं लिंक कि बेसिक HTML कैसे सीखिए, उसके बाद HTML में और छोटी छोटी टैग्स जो स्मॉल टैग्स का मैंने वीडियो बनाया था, उसके साथ साथ इमेज कैसे ऐड करें। तो अब आगे बढ़ते हैं HTML कोर्स की तरफ और बताते हैं कि कैसे आप अपने HTML में टेबल्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर, चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पे और साथ साथ मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप अपने HTML पेज में टेबल को ऐड कर सकते हैं, टेबल कैसे ऐड होता है और टेबल में कोई भी डेटा कैसे पर्टिकुलरली ऐड होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ आपको कि HTML में टेबल कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर लूँगा नोटपैड को। सो नोटपैड ओपन करने के लिए मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। सो नोटपैड मेरा ओपन हो गया है। तो बेसिक HTML टैग्स आप सभी को पता होगा, अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो मैंने आई बटन पे दे रखा है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए। पहले HTML स्टार्ट करते हैं, फिर हेड होता है एंड HTML का हेडिंग ले लेता हूँ मैं टेबल टैग। तो टेबल के बारे में मैं बताऊँगा कैसे HTML में टेबल यूज़ करते हैं, इसलिए इसका हेडिंग ले लेता हूँ टेबल और इसका टाइटल। अब मैं लिखता हूँ टाइटल, टाइटल ऑफ द पेज मैं ले लेता हूँ सपोज HTML Part 4। पार्ट फोर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोज HTML पर डाल चुका हूँ और ये 4th वीडियो है, इसलिए पार्ट 4 में डाल देता हूँ टाइटल में। अब टाइटल को कर दिया मैंने क्लोज और बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज कर दिया मैंने। सो बॉडी में मुझे ये मैंने एक मिनट, मैं HTML भी क्लोज कर देता हूँ। सो HTML भी मैंने क्लोज कर दिया। तो ये बेसिक टैग्स हैं, आप सभी को पता है कि HTML हेड, टाइटल, बॉडी और ये सब सारे बेसिक टैग्स हैं। अब मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए पहले टेबल टैग होता है, एक टैग होता है जिसका नाम है टेबल। तो टेबल टैग है, तो टेबल टैग पहले स्टार्ट कर दिया। उसके बाद टेबल के अंदर क्या होता है, टेबल रो होता है, रो और कॉलम की मदद से टेबल बनता है। तो टेबल रो की मदद से हम लोग काम करते हैं। टेबल रो स्टार्ट कर दिए, पहला रो में हम टेबल का डेटा, TD एक टैग होता है जिसका नाम है टेबल डेटा। ये बताता है कि कौन कौन सा डेटा है। जैसे मैं एक टैग टैब बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ कि टेबल डेटा। सपोज मैं एक टेबल बनाता हूँ जिसमें रोल नंबर, जितनी बार आपको टेबल डेटा ओपन करोगे उतनी बार टेबल डेटा क्लोज करना पड़ेगा। तो टेबल डेटा, क्योंकि एक ही रो में मैं बना रहा हूँ टेबल डेटा, रोल नंबर हो गया, देन मैंने नेम ले लिया नेम ले लिया और फिर से मैंने टेबल डेटा क्लोज कर दिया। और उसके बाद मैंने कर दिया टेबल डेटा क्लास, सो मैं एक स्टूडेंट का लिस्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ टेबल, जिसमें मैंने, और अब मैं रो को कर दूंगा क्लोज। मुझे इतना ही डेटा चाहिए, ये 4 डेटा चाहिए मुझे एक रो में, तो इसलिए मैंने टेबल रो को क्लोज कर दिया। रो को क्लोज करने के बाद मैं इसको, इस डॉक्यूमेंट को सेव कर लेता हूँ। सेव करता हूँ आपको डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ ताकि आपको ईजिली हो। और यहाँ पर लिख लेता हूँ टेबल टेबल वीडियो। सो यहाँ पर मैंने टेबल वीडियो के नाम से सेव कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखने को मिलेगा आपको टेबल। तो मैं चले जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैं आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे और अब यहाँ पे ढूंढता हूँ मैं कि टेबल वीडियो कहाँ है। ये इमेज टैग की है, मैं ढूंढता हूँ टेबल वीडियो। टेबल वीडियो नाम से ये फाइल तो बन गई है, लेकिन ये exe नहीं हुआ। क्योंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो सेव किया था फाइल कंट्रोल एस की मदद से, जो सेव एज किया था, तो सेव एज टेबल वीडियो जरूर किया था लेकिन .html नहीं किया था, इसीलिए वो HTML फाइल नहीं बन रही थी।
क्योंकि HTML डॉट HTML पुट करना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर शायद आ गई होगी, एक सेकंड में ढूंढ लेता हूँ। सो अब ये आ गई है, इसको मैं ओपन विथ कर लेता हूँ, ओपन विथ गूगल क्रोम। सो हमने तो इसकी हेडिंग डाली थी, हमारी टेबल तो आ नहीं रही है। अब देखते हैं क्या गलती है। ओके, हमने टेबल को क्लोज नहीं किया था इसलिए टेबल नहीं आ रही थी। अब क्लोज कर दिया, अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं। नहीं, अभी भी नहीं। टेबल डेटा, टेबल रो। दोस्तों आप बोलोगे कि टेबल तो नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लोज़ नहीं किया था टाइटल टैग को, इसलिए वो प्रॉपरली क्लोज़ नहीं होने का। एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल की एक क्वालिटी है कि अगर आप किसी टैग को क्लोज़ नहीं करते हो सही से तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, और अब देखिए ये कुछ नेम, रोल नंबर सारा कुछ आ गया। लेकिन अब तो बोलोगे सर आपने तो बताया कि आपका जो है कोई टेबल तो क्रिएट हुआ नहीं यहाँ पे, तो टेबल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए टेबल में क्या होता है, बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर हमने यहाँ पे सेट नहीं किया है, बस इसी वजह से वो टेबल नहीं शो हो रहा है। अब देखिए बॉर्डर, सो बॉर्डर है, बॉर्डर की कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। बॉर्डर इक्वल्स टू, आप डबल कोलन के अंदर वैल्यू दे देता हूँ, जैसे 1 या 2 या 5 कुछ भी दे देता हूँ। 5 वैल्यू दे के सेव कर दिया, और अब दिखाता हूँ मैं आपको कि टेबल कैसे काम करता है। मैं ओपन कर लेता हूँ टेबल, अब करता हूँ रिफ्रेश। दिखाता हूँ मैं आपको, ओ मैंने इतना स्पेस कर दिया था इसीलिए वो नहीं ले रहा था। वो काम करेगा प्रॉपरली, कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है तो एचटीएमएल काम करना बंद कर देता है। अब मैंने बॉर्डर की वैल्यू सेट कर दी है, और अब देखिए मैंने सेव किया है, टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 5, सो वैल्यू मैंने कर दिया 5, टेबल नो टेबल क्लोज। हाँ अब देखिए कि मेरा बॉर्डर प्रॉपरली आ गया है, आपको चारों तरफ बॉर्डर दिख रहा होगा और एक प्रॉपर टेबल दिख रहा है। तो टेबल को मैं कर देता हूँ सेंटर में, तो थोड़ा सा मैं सेंटर टैग का यूज़ करूँगा यहाँ पे, सेंटर टैग का मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा टेबल सेंटर में आ जाए। और सेंटर टैग को मैं टेबल के बाद कर देता हूँ क्लोज, सेंटर टैग को मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं सेव कर लेता हूँ, और अब मैं अपने टेबल पे जाता हूँ, टेबल आ गया मेरा सेंटर पे। अब मुझे और भी डेटा चाहिए, जैसे रोल नंबर 1 2 3 4 5 एंटर करूँगा, तो आपको हर बार रो को ओपन करना पड़ेगा। रो जो है आपका टेबल रो, हर बार ओपन करना पड़ेगा ताकि वो नेक्स्ट रो में आ जाए। टेबल रो TR करके स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे फर्स्ट TD जो देंगे वो हमारा रोल नंबर होगा। रोल नंबर क्या है, फर्स्ट TD का वैल्यू 1 कर देंगे, और 1 करने के बाद अगेन TD देंगे, देन TD अगेन एंटर करने के बाद नेम, नेम कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट टैग और टेबल डेटा क्लोज। सो ये वैल्यू होगी हमारे नेम की। उसके थर्ड वैल्यू जो है हमारा क्लास की है, तो क्लास, तो इस क्लास को हम 8 डिनोट करते हैं ताकि जो प्रॉपर क्लास है, क्लास 8 में ही आपकी HTML स्टार्ट होती है। सो क्लास 8 मैंने डिनोट किया, और उसके बाद टेबल डेटा फिर से मैंने ले लिया, और उसके बाद एड्रेस, एड्रेस मैं धनबाद कर देता हूँ जहाँ से फास्टैग का ओरिजिन हुआ, सो धनबाद। और उसके बाद मैं कर देता हूँ रो को क्लोज, TR टेबल रो को क्लोज कर देता हूँ। सो उसके बाद मैं कर देता हूँ इस टेबल को सेव, और सेव करने के बाद फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, और देखिएगा आपको मेरा डेटा शो हो रहा है। जैसे रोल 1 पे मैंने डाला था, फर्स्ट डेटा मैंने डाला था 1, फिर फास्टैग, फिर 8, फिर धनबाद। उसके बाद ऐसे करके आप और भी टेबल डेटास को इंक्रीज कर सकते हैं। आपको सिर्फ TR स्टार्ट करना है टेबल रो, और उसके बाद TD करके सारे डेटास को फिल कर सकते हैं 1 बाय 1। तो इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, HTML का टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और सारे टैग्स को आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे टेबल का कलर अगर चाहिए आपको तो कलर भी अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर आपको टेक्स्ट का टेक्स्ट थोड़ा डीपर चाहिए, डार्कर चाहिए, बोल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसका वैल्यू मैं बोल्ड कर देता हूँ बी, और बी को मैं कर देता हूँ इसके पहले क्लोज कर देता हूँ, बी को क्लोज कर देता हूँ, उसका सेव करता हूँ। और उसके बाद मैं जाता हूँ इस पर, अब देखिए चेंजेस तो आएगा। सो बोल्ड को मैंने गलत जगह क्लोज किया है, मुझे बोल्ड ये सब के अंदर डालना पड़ेगा, बी 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 बोल्ड, ताकि वो अप्लाई हो। जैसे मैं एक पे आपको करके दिखा देता हूँ, एक पे आपको मैं करके दिखा देता हूँ। बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पे क्लोज, और मैंने इसके पहले रोल नंबर के पहले बोल्ड कर देता हूँ ओपन, और अब कर लेता हूँ सेव, और उसके बाद जाता हूँ इस पर, और देखिए रोल नंबर मेरा बोल्ड हो गया। तो इस तरह का सारे टैग्स को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और साथ साथ बहुत अच्छा टेबल क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑसम टेबल कलर के साथ भी। कलर्स भी, कलर टैग्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, तो कलर्स टैग्स का भी यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।